दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूं जो दोस्तों गेमिंग के मामले में द बेस्ट स्मार्टफोन है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गेमिंग के मामले में इससे ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ नूबिया रेड मैजिक 6S प्रो स्मार्टफोन के बारे में। हालांकि दोस्तों अभी स्मार्टफोन को चाइनीज मार्केट में ही लॉन्च किया गया है, मगर दोस्तों आज का ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन में आपको कौन कौन सा नए फीचर देखने को मिलते हैं और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में कब देखने को मिल सकता है। मगर दोस्तों इस स्मार्टफोन की सारी डिटेल्स जानने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज इसी तरह के लेटेस्ट और नॉलेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुदीन यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले इस नूबिया रेड मैजिक 6S प्रो स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक 6.8 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है, जो 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन, 165Hz रिफ्रेश रेट और 720Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ में आता है। यानी दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको वीडियो और गेमिंग के लिए काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको फोटोग्राफी के लिए इस फोन के बैक पैनल पर 64MP का 53rd कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों 64MP का मेन प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और दोस्तों उसी के साथ 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। जबकि इस फोन में आपको वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आप फुल HD के साथ साथ 4K में वीडियोग्राफी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्टफोन में दिए गए मेन पार्ट यानी परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों आपको इस नूबिया रेड मैजिक 6S प्रो स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस का 5G प्रोसेसर देखने मिलता है, जो दोस्तों क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर है, जिसमें दोस्तों आप चाहे जितने भी हैवी गेम आराम से रन कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में सबसे अच्छी बात यह है कि इस फोन को ठंडा रखने के लिए इस फोन में आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे आपका फोन हीट नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में आपको 8GB रैम, 12GB रैम, 16GB रैम और 18GB रैम तक के ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस नूबिया रेड मैजिक 6S प्रो स्मार्टफोन के मेन पार्ट यानी बैटरी पावर बैकअप के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो 120W फास्ट चार्जर के साथ में आता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए 4G 5G फिंगरप्रिंट सेंसर, USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm जैक और ब्लूटूथ 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में कब देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों अभी ये स्मार्टफोन सिर्फ चाइनीज मार्केट में ही लॉन्च हुआ है, लेकिन दोस्तों एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडिया में कब और किस प्राइस पॉइंट पर आएगा इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। तो बस दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फास्ट बटन दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज इसी तरह की लेटेस्ट और नॉलेबल वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।